अस्सलाम वालेकुम मारिया भी, विंटर कलेक्शन का ख़ूबसूरत आर्टिकल इन स्टॉक आया, बहुत ही ख़ूबसूरत एक और डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह से जितने भी डिज़ाइन शेयर किए हैं काफ़ी आप लोगों ने पसंद किए हैं, कलर्स, इनका काम, हर चीज़। सो ये जो ब्लू कलर है सेम ऐसे ही आपको सेम फैब्रिक में हम लोग बना के दे रहे हैं, बहुत ही ख़ूबसूरत एम्ब्रॉयडरी के साथ। पूरी वीडियो देखने के बाद आप मेरी वेबसाइट पर जाके ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्रंट शो कर रही हूँ, बहुत ही ख़ूबसूरत इसका सारा काम है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ठीक है। फैब्रिक इसका लीलन में है और बड़ी अच्छी क्वालिटी में लीलन है, लीलन मोटी नहीं यूज़ करते, वो अजीब सी लुक आती है। ये अच्छी लीलन है, सॉफ्ट है, ठीक है, और विंटर में ये काफ़ी पसंद की जाती है। अच्छा जी, ये आगे इसकी इसका सेंटर पैनल सारा इसके ऊपर थ्रेड सीक्वेंस वर्क है और थ्रेड वर्क है। क्वालिटी आप देख सकती हैं इसकी, जो है एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़ूबसूरत है, थिक एम्ब्रॉयडरी है। ये देखिए फुल शर्ट पे इस तरह से थ्रेड और सीक्वेंस वर्क हुआ है, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आ गया इसका राइट पैनल, ये देखें इस तरह से इसका राइट पैनल है, बहुत ही ख़ूबसूरत क्वालिटी है। और जो आपको क्लिपिंग करने के लिए जो ये थ्रेड नज़र आ रहे हैं, ये आप क्लिपिंग करवा लिया करें और बड़ी ख़ूबसूरत सी इसकी सेम एज ओरिजिनल लुक आएगी। ये देखें क्वालिटी फ़ाइन है। ये राइट पैनल है इसका, इस तरह इसी तरह से इसका लेफ़्ट पैनल भी सेम एम्ब्रॉयडरी में है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। थ्री पैनल्स हैं इसके, फ्रंट के लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ, और बाकी जो इसके बॉर्डर आएंगे वेलवेट के, वो इसके जहाँ पे मोटिव्स लगने हैं वो इसके पैनल्स के कॉर्नर पे लगने हैं, ठीक है। इसको सेट करके फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सेट किए हैं इसके थ्री पैनल्स, इस तरह से सेट होने हैं, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें विंटर में ऐसे कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं पहने हुए। अच्छा जी, ये इस तरह से इसके जो वेलवेट के मोटिव्स हैं ये इस जगह पे आएंगे शर्ट के कॉर्नर पे, ठीक है। ये मैंने कटिंग कर ली है, आपने ऊपर इस तरह से इसको एप्लीक करना है, सही है। चलें जी, उसके बाद आ गया इसका दामन का बॉर्डर, वेलवेट में ही इसका बॉर्डर है, सेम वर्क हुआ हुआ है, ठीक है, थ्रेड सीक्वेंस के साथ। लेंथ मैं अभी बता देती हूँ, अभी मैंने चेक नहीं की, माशाल्लाह से सबकी लेंथ, जितने भी ड्रेसेस बने हैं सबकी लेंथ अच्छी बनी है। ये आगे इसकी बैक, प्लेन बैक है सेम फैब्रिक में, ठीक है। और ये आगे इसकी स्लीव्स, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं, इस तरह सारी एम्ब्रॉयडरी है सेम, ठीक है। ये स्लीव्स हैं इसकी, कपड़ा भी अच्छा खासा है। और ये स्लीव्स के आगे के दो मोटिव्स हैं सेम, जैसे कॉर्नर पे लग गए हैं इसी तरह से इसके दोनों मोटिव्स हैं, ये देखें, सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो आपको मोटिव्स नज़र आ रहे हैं स्लीव्स के आगे के दोनों मोटिव्स हैं ये वाले, ठीक है, ये कटिंग करके दोनों स्लीव्स पे आ जाएगी। और जो सेंटर में आपको ये इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड एरो बने हुए जो आ रहे हैं नज़र, ये कटिंग करके ये दोनों जो हैं ये मोटिव हैं, इनकी कटिंग करके ये यहाँ पे एप्लीक होने हैं, शर्ट के इस साइड पे एप्लीक होने हैं, ठीक है। ये इकट्ठा ही आएगा बॉर्डर, मतलब पीस पूरा होगा, ये देखिए इस जगह पे ये एप्लीक होगा। अभी मैं कटिंग करके रख दूँगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये स्लीव्स की आगे की कफ पट्टी है वेलवेट में, ये भी आपने कटिंग करके दोनों स्लीव्स पे लगानी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये ज़रा सेट कर दूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसको सेट किया, ये इस तरह से वेलवेट उतर के और ये पूरा एप्लीक होगा इस पार्ट पे। और जब आपके टेलर ने स्टिच करना है, पहले सबसे पहले वो पैनल्स को अटैच करेगा, उसके बाद इनको एप्लीक करेगा, ठीक है। आई होप पहले उसको पूरी चीज़ें अंडरस्टैंड करके फिर उसको कहना कि ये इसको स्टिच करे, क्योंकि पैचेज़ होते हैं ऐसे कि वो जब एक दफ़ा कटिंग या स्टिच हो जाए तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप पूरी वीडियो उसको दिखाएं और फिर स्टिच करवा लें, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई इसकी शॉल, सेम फैब्रिक में फुल एम्ब्रॉयडर्ड शॉल है, बहुत ही खूबसूरत सी सेम,
लेंथ वेट अच्छी खासी है इसकी, ये देखें सारा इसके ऊपर थ्रेड वर्क है, ठीक है। ये देखें फुल थ्रेड वर्क के साथ, क्वालिटी फ़ाइन है, बहुत ही मज़े का फैब्रिक है ये। मैं इंशाल्लाह स्टिच करवाऊँगी मैं भी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। और ये आगे इसके वेलवेट के बॉर्डर, जो चीज़ें मुझे भी अच्छी लगती है ना मैं फ़ौरन उसको रखती ज़रूर हूँ अपने लिए। ये इसके वेलवेट के बॉर्डर हैं छोटे पल्लू, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ अटैच होंगे, ऊपर रखकर आपने इसको एप्लीक करवाना है फुल इस तरह से। ये थ्रेड और सीक्वेंस वर्क के साथ है, वेलवेट का बॉर्डर है, ऊपर रखकर ही लगेगा, आपने हैंगिंग में नहीं करना, यानी साथ अटैच नहीं, ऊपर रखकर एप्लीक हो जाएगा, सही है। अच्छा ये आगे इसके फोर साइड बॉर्डर, ये देखिए वेलवेट में है फोर साइड बॉर्डर, ये आपकी शॉल के फोर साइड रेडी हो जाएगा, ठीक है। जितने बॉर्डर हैं उतना ही आपका जो है दुपट्टा तैयार होगा इस तरह से। टसल्स वगैरह जो हैं या जो लेसेस नज़र आ रही हैं स्टिचिंग में ऐड होती हैं, हम साथ नहीं देते। ये प्लेन इसके साथ सेम फैब्रिक में ट्राउज़र है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, और वेबसाइट पर जाके आप ऑर्डर कर सकती हैं। थैंक यू।